वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज था सैटरडे, ऑफिस की छुट्टी थी, तो आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग शूट करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे रानीबाग पे। जी गाइस, आज आपको ब्लॉग मिलेगा मुंबई जू का। ठीक है, बहुत दिनों बाद ये जू ओपन हुआ है, कोरोना की वजह से क्लोज था, तो आज इसी का ब्लॉग आपको देखने यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो के हम लोग करते हैं शुरुआत। ये जो रानीबाग है, इसका आपको एंट्रेंस यहाँ से देखने मिलेगा। और यहाँ पे पर पर्सन आपको जो फेयर है, टिकट है, वो पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ है। और अगर आप कुछ व्लॉग वगैरह शूट करते हो कैमरे से, तो वहाँ पर आपको 300 रुपया फेयर देखने मिलेगा। तो ये कुछ एंट्रेंस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, इस तरह का एंट्रेंस है यहाँ पर, और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो रानीबाग में। ये तो ये काला घोड़ा वगैरह आपको देखने मिलेगा, जो एंट्रेंस आप लेते हो स्टार्टिंग में, वहीं पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है जो बीएमसी ने। क्या रामजीत, क्या है, क्या दिया गया इसके बारे में? ये एक्चुअली काला घोड़ा जो है, यहाँ ब्रिटिश का कोई एक किंग था, ओके, जिसका नाम अल्बर्ट एडवर्ड 7 है, ओके। तो उसका जो है, यहाँ पे जब शासन चल रहा था, तो उस समय पे उसको यहाँ के लोग बोलते थे काला घोड़ा, ओके। तो इसके लिए इसका नाम, हाँ, काला घोड़ा की वजह से मुंबई में जो है जगह जगह पे इसके जो स्टैचूज बनाए गए, ओके। आप स्टैचू देख सकते हो यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है काला घोड़ा। ठीक, सो गाइस, आप रानीबाग में आते हो तो आपको सबसे पहले, अगर आप एक्सप्लोर करते हो, तो आपको यहाँ पर एशियन एलिफेंट देखने मिलेगा। और इसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हिंदी में, आप पाउज करके यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं रियल का एशियन एलिफेंट दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे, तो ये देखो, आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एशियन एलिफेंट। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, थोड़ी सी धूप है तो पेड़ के नीचे वो अभी आराम कर रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एशियन एलिफेंट। और तो गाइस, अभी देख रहे हो आप जो एलिफेंट है, इसको कुछ खिलाया जा रहा है, जो उसके देख रहे जो केयर टेकर है, देखोगे आप यहाँ पर इसको कुछ प्लांट्स वगैरह दिया है खाने के लिए और खा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत सा ये जानवर हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। कुछ मतलब हर जगह पे अगर कुछ खास चीज़ है, किसी हिस्ट्री है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया। रामजीत, क्या है, आपने पढ़ा ना, क्या चीज़ दी गई बताओ, निकल निकल। ये एक्चुअली जो है, जो काला घोड़ा नो हम बोलते थे, तो वो काला घोड़े, हाँ, अल्बर्ट एडवर्ड्स जो 7th है किंग, ब्रिटिश किंग, तो उनका जो यहाँ पे एक रॉयल गार्डन था, तो वो रॉयल गार्डन जो यहाँ पे, जितने भी आप पीछे साइड देख सकते हो, यहाँ पे दिखा दो, तो जितने भी ये प्लेसेस है यहाँ पे, एक छोटा सा हमारा समथिंग, वो तोप खाना को भी एक डिज़ाइन करके रखा गया, जो कि रॉयल गार्डन के अंदर रहता था वो हमेशा, okay। और यहाँ पे जो किंग वगैरह या क्वीन वगैरह जो यहाँ पे बैठकर सुबह शाम जो डिस्कस होता था नॉर्मल तरीके से, वो करते थे, डिस्कस करते थे या चाय पे चर्चा करते थे? हाँ, वही बात हो गई। चाय थी उस टाइम, इसीलिए डिस्कस बोला। अच्छा अच्छा, आपको तोप खाना देखने मिलेगा यहाँ पर, कुछ आयरन का बना है ना, हुड भी है,
व्हील के ऊपर हुड है एंड ऊपर से आयरन का कोटिंग। अच्छा हट जाए। तो ये इस तरह का आपको यहाँ पर तोपखाना देखने मिलेगा गाइस। ठीक है तो अभी चलते हैं टाइगर देखने। टाइगर पॉइंट किधर है रामजीत? इधर था ना मैप में? इधर है, इधर। चलो इस साइड चलेंगे टाइगर पॉइंट में। और ये मेरा भाई पेड़ों को पानी उनी देते हुए। और ये सारी चीज़ें हैं रानीबाग के अंदर और बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट करके हैं। और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है क्योंकि इतने दिन से क्लोज था तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई होगी तो उन्हीं को बनाने के लिए। और जब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब कोविड था, ओके, जब कोविड था तो कोविड के वजह से जो एनिमल्स थे यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ओके। तो इसमें देखेंगे हम लोग एनिमल। और ये आपको देखने मिलेगा, यस, बालू देखने आपको यहाँ पर मिल रहा है। और अभी चलते हैं हम लोग शेर देखने, यानी देखने चलते हैं हम लोग टाइगर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है कोरोना के हिसाब से। तो भाई चेहरे पे मास्क जरूरी है। और आया नहीं क्या, छुपा है क्या कहीं? वो क्या उधर है? किधर है? एक है सामने, ठीक है क्या? इधर से देखो, इधर से देखो, ठीक है क्या? नहीं यार सामने देखो ना, बरल सामने। अच्छा अच्छा, हाँ बैठा है नीचे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइगर देखने मिलेगा। यहाँ पर स्पीड की वजह से शायद डर गया है, जहाँ पे वहाँ पर छाव में बैठ गया, बैठा हुआ है। गाइस ये जितना भी आपको यहाँ पर जगह एक्सप्लोर मैं करवा रहा हूँ फिलहाल, तो ये पूरी की पूरी जो टाइगर है, जो टाइगर के लिए स्पेस दिया गया है, तो जो टाइगर है इसी एरिया में रहता है। और जो पब्लिक है तो पब्लिक कुछ इस तरह से, और ये जो कांच दिया गया है ये बुलेट प्रूफ है। और ये जो जगह है इसमें पानी भरा हुआ है थोड़ा सा, तो जो टाइगर वगैरह है अगर पानी वगैरह में उसको नहाना है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आके आराम से नहा सकता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा ज़ूम कर रहा हूँ, अभी वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। तो जब बाहर आता है तो वो सीन भी आपको देखने मिलेगा। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। बात ये है कि पैदा भी यही हुआ है मुंबई में, बट कभी रानीबाग आना नहीं हुआ,
क्यों नहीं आ रहा था उसका रीजन है क्योंकि रानीबाग हम लोग आते हैं एनिमल्स देखने, ठीक है, बट मेरे पास ऑलरेडी एनिमल था तो मैं क्या एनिमल देखने आऊं। तो मेरा जो भी था, मेरा शेर, मेरा चीता, मेरा हाथी, सही करना, मेरा चीता, मेरा शेर, हाथी, सब ये मेरा भाई था रामजीत प्रजापति। ये अलग ही प्रजापति का आदमी है, प्रजाति का आदमी है। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं रानीबाग में और आपको यहाँ पर एनिमल्स वगैरह भी दिखाएंगे। Oh,
ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। आए थे हम लगभग कुछ 1 या 1.5 बजे और अभी बज रहा है 5:30-6 बजे, ऐसे भी जो जू है वो क्लोज हो जाएगा। तो भाई बात ये हुई ना कि आए थे एग्जैक्टली जो टाइगर की फुटेज थी जो पास में आता है वो फुटेज के लिए हम लोग आए थे, बट वो फुटेज मिली नहीं। पता नहीं आज कुछ धान की गोली खाया था या क्या खाया था पता नहीं, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा रहा। बट कुछ अच्छे से इमेजेस वगैरह आए हैं, कुछ अच्छी सी क्लिप्स आई है, तो वो आपको इस वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस ब्लॉग को हम लोग यही ख़त्म करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मुंबई में किस जगह का ब्लॉग देखना आप पसंद करोगे, वहाँ की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।